हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो अपन ने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी आर यू पी एस सी नेम की, उसी प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे और आज को सीखेंगे बाई साइक्लो और स्पायरो कंपाउंड। उससे पहले हम पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एस्टर हमने रिवाइज नहीं किया था, कार्बोक्सिलिक कर लिया था, एल्डिहाइड कर लिया था, कीटोन कर लिया था, एमाइन कर लिया था, हमने यहाँ पर एस्टर नहीं किया था। तो चलिए थोड़ा सा एस्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेमिंग ऑफ एस्टर कैसे मैंने बताया था बच्चों, सबसे पहली चीज एस्टर क्या होता है, आर सी ओ ओ आर। जब भी इसकी नेमिंग करते थे बच्चों आपको याद आ रहा होगा, एल्काइल एल्केनोएट, क्या लिखते थे, एल्काइल एल्केनोएट। क्लियर है? तो कभी भी अगर लिखना है तो हमें क्या लिखना होता था बच्चों, नाम नेमिंग एल्काइल एल्केनोएट। एल्केनोएट में आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये नंबरिंग में काउंट होता है। क्लियर है? और यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो आर ग्रुप है ओ के साथ, इसको नेमिंग करेंगे हम किसके हिसाब से, एल्काइल के हिसाब से। तो क्लियर हो रहा है बच्चों कैसे हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई ये कंपाउंड है, अगर मेरे पास कोई ये कंपाउंड है और मुझसे बोले कि इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा एल्काइल। तो बच्चों क्या लिखूंगा, मिथाइल, मुझे पता है कि मिथाइल ही है। अब एथेनोएट लिखना है या मुझे कोई भी एल्केनोएट लिखना है, तो एल्केनोएट क्या होगा, ये पूरी चीज, और इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बच्चों, इसी कार्बोनिल कंपाउंड से। तो प्रोपेन है तो प्रोपेनोएट क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। क्लियर है? तो मेथाइल प्रोपेनोएट। तो चलिए प्रैक्टिस करें फटाफट, बताएं मुझे, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ब्रोमो लगा होता, यहां पर मैथिल लगा होता, अब मैं क्या नाम देता बच्चों? पहले मेरा मोटिव है कि मैं इस एल्काइल का नाम लिखूं। इस एल्काइल का नाम कैसे लिखेंगे आप बताएं, नंबरिंग आपको पता है यहीं से शुरू होगी क्योंकि अटैचमेंट कहां से है, यहीं से है। क्लियर है? क्या लिखूंगा बच्चों इसका नाम, सबसे पहले एल्काइल के रूप में लिखना है तो क्या लिखूंगा, वन ब्रोमो एथाइल, क्योंकि दो कार्बन है बच्चों, तो यहां का नाम तो क्लियर हो गया। अब मुझे करना है एल्केनोएट, तो एल्केनोएट मुझे क्या करना है, इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए 1 2 3 4 क्या लिखूंगा बच्चों, 2-methyl-butanoate, क्या लिखूंगा, 2-methyl-butanoate। क्लियर हो रहा है बच्चों, बताएं। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, गलती बिल्कुल ना करें, 1% भी गलती ना हो बच्चों, ध्यान रखें इस चीज का। मान लीजिए मुझे इसकी नामिंग करने को देता, नेमिंग करनी है तो इसका मतलब पहले इसका नाम लिखेंगे किसके थ्रू, एल्काइल के थ्रू। इसका नेमिंग कहां से करेंगे बच्चों, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3। इसकी नंबरिंग की बात करें 1 2 3, एल्काइल एल्केनोएट, सिंपल हो रहा है बच्चों। तो मुझे बताओ क्या लिखोगे, 2-cyclopropyl, और ये क्या है, प्रोपिल। तो एल्काइल लिख दिया, अब एल्केनोएट में क्या लिखोगे, प्रोपेनोएट, क्या लिखोगे, प्रोपेनोएट। तो क्या बच्चों क्लियर हो रहा है कि आपने नेमिंग कैसे की इसकी? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि और ये क्लियर हो जाए। आपके नेमिंग करने में एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप यहां पर करें, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, आप यहां पर करते रहें प्रैक्टिस, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा दिया होता बच्चों, एल्कीन लगा देता। चलिए नेमिंग करते जाएं बच्चों फटाफट, मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, इन 4 क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। यहां मैंने लगा दिया मैथिल ऐसे करके। चलिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए 4th क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप तरीके को कैसे आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहां से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मुझे इसका नाम लिखना होता तो मैं क्या लिखता, सबसे पहले मुझे एल्काइल लिखना होता बच्चों, मतलब 1 2 क्या लिखता, 1-methyl-ethyl, तो क्या लिखता मैं, 1
मैथिल एथिल, क्लियर हो रहा है? आगे क्या लिखता, 1 2 3 प्रोप, एन है या इन बच्चों, इन है, और ओएट है कहां पे, इन है बच्चों, क्या मैं यहां पर लिखूंगा प्रोप टू इन ओएट, खत्म। तो कैसे मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, एल्काइल फॉर्मेट, फिर मैं क्या लिख रहा हूं, एल्केनोइड फॉर्मेट। एल्काइल आप जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखें, और एल्केनोइड में आपको ध्यान रखना है कार्बोनिल ग्रुप को आपको अटैच करना है बच्चों। तो मुझे बताओ यहां पर सबसे पहले एल्काइल, तो वन मैक्सिमम रिंग लेनी है, तो मुझे बताओ यहां पर यही मैं ले सकता हूं क्योंकि ये तो चेन है नहीं, यहां क्या लिखूंगा, वन साइक्लोप्रोपिल एथिल, क्योंकि दो कार्बन की चेन है, तो वन साइक्लोप्रोपिल एथिल। अब ये क्या होगा, एल्केनोइड, नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 क्या लिखोगे, 2.3 डाइमेथिल ब्यूटेनोइड, 2.3 डाइमेथिल ब्यूटेनोइड, ब्यूटेनोइड। तो क्लियर हो रहा है आपको नाम, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए आगे करते हैं, यहां पर सबसे पहले एल्काइल और फिर एल्केनोइड, क्या मुझे पता है कि यहां पर एक ही कार्बन है, ध्यान से देखें यहां पर एक से ज्यादा कार्बन आपको चेन में नहीं दिख रहे, तो क्या लिखोगे, वन साइक्लोब्यूटिल मैथिल। तो क्या लिखोगे, वन लिखने की जरूरत यहां है नहीं बच्चों, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लोब्यूटिल मैथिल, साइक्लो ब्यूटिल मैथिल, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटिल, यही तो चीज है। अब क्या लिखना है आपको, एल्केनोइड, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 क्या लिखोगे, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइड, क्या लिखोगे, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइड, क्योंकि तीन कार्बन है, तो क्या लिखोगे, प्रोपेनोइड। तो क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, सबसे बढ़िया, एकदम क्लियर हो रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले एल्काइल और फिर एल्केनोइड, क्या लिखोगे, 1 2 कैसे लिखोगे, 1 मैथिल एथिल, तो क्या लिखोगे, 1 मैथिल एथिल, फिर क्या लिखोगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 अब यहां इन और एन दोनों है, तो उस हिसाब से आपको नाम लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 सबसे पहले हेक्स, कहां इन है कहां आइन है और कौन पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे इन, क्यों बच्चों, क्योंकि ई से शुरू होता है और वाई से शुरू होता है, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे, तो लिखा 3 इन 5 आइन, और फिर क्या है बच्चों, हेक्सेनोइड है, तो हेक्स इन एन लिख दिया मैंने, अब मुझे क्या लिखना है, ओएट, तो आगे मैंने क्या लिख दूंगा, ओएट। क्या क्लियर हो गया आपको नाम एकदम, तो क्या हुआ यहां पर, 1 मैथिल एथिल इसका नाम हो गया, इसका क्या नाम लिखा, हेक्स 3 इन 5 आइन ओएट, अगर सिर्फ एल्केन होता तो मैं हेक्सेनोइड लिखता, इन और आइन है इसलिए मुझे यहां पर पोजीशन बताने की जरूरत पड़ रही है बच्चों। तो ओवरऑल आपको एस्टर समझ में आ गया होगा, एस्टर ने कर रखा है, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फाइनल एक बार स्ट्रक्चर को समझ लें कि हमने क्या क्या किया है पूरे चैप्टर्स में। चलिए आगे करते हैं कोशिश, आगे हम शुरू कर रहे हैं, एक बार नाइट्राइल की प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। आपको सबको पता होगा साइनो ग्रुप, उसके सफिक्स में क्या लिखते हैं बच्चों, नाइट्राइल, और नाइट्राइल का जो एन होता है ये वॉवेल नहीं होता बच्चों, और वॉवेल नहीं होता तो एन हो इन हो आइन हो, क्या इनका ई एलिमिनेट होगा, नहीं होगा बच्चों, इसीलिए ध्यान रखना कि जब भी मेरे पास सी एन होता है, यहां पर बताया था आपको ये कार्बन हमेशा इंक्लूड होगा, किस में इंक्लूड होगा बच्चों, नंबरिंग में इंक्लूड होगा, और यहां पर जो हम सफिक्स लिखते थे बच्चों वो क्या लिखते थे, नाइट्राइल, क्या लिखते थे बच्चों, नाइट्राइल लिखते थे। क्या आप सबको क्लियर हो रहा है, बढ़िया से क्लियर हो रहा है, चलिए कोशिश करते हैं लिखने की। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है और मैंने यहां से एन लगा दिया, क्या आप इस चीज को देखकर समझ पा रहे हैं कि यहां पर सी लगा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ एन है, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप इस चीज को ये भी समझ पा रहे हैं कि इस पूरी चीज को मैं क्या बोलूंगा, नाइट्राइल के नाम से जानूंगा। अब नाइट्राइल में नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, इसी कार्बन से, आपको मैंने बताया इसी कार्बन से शुरू होती है, प्रेफरेंस ऑर्डर यही सबसे तगड़ा होता है, तो 1 2 3 4 क्या लिखोगे, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या आपको नाइट्राइल या 1 नाइट्राइल लिखने की जरूरत है, नहीं बच्चों, क्योंकि 1 नाइट्राइल तब लिखेंगे जब हमको पता है कि यार 1 ही नंबर उसे ही मिलना है, तो 1 नाइट्राइल में क्यों लिखूंगा, समझ में आया आपको। चलिए एक दो क्वेश्चन और आप करें,
बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस करते रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने रख दिया ब्रोमो। अब मुझे बताएं, अगर मैं नेमिंग करूँगा तो नंबरिंग मुझे पता है यहीं से करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्रेफिक्स, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोप्रोपिल है और ये ब्रोमो है। पहले ब्रोमो आएगा क्योंकि अल्फाबेट बी से शुरू हो रहा है। 4 ब्रोमो 3 साइक्लोप्रोपिल। बच्चों पूरी कितने की चेन है, 1, 2, 3, 4, 5। क्या लिखूंगा, पेंटेन नाइट्राइल। अब आप सबको पता लग रहा होगा मैं यहाँ ई क्यों नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि ई और एन, ई तो वॉवेल है लेकिन एन वॉवेल नहीं है, और दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन एक वॉवेल तो है ही, एक वॉवेल तो आ ही सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए कोशिश करें। कहाँ से शुरू करूंगा और क्या लिखूंगा बच्चों? सबसे पहले मुझे पता है कार्बन को नंबरिंग दूंगा, सबसे पहली बात है। दूसरी नंबरिंग इसको दूंगा, तीसरी, चौथी, क्या लगूंगा बोलो? मैं इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है। और मुझे पता है सबसे पहले आता है बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप, देन आता है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड, देन आता है बच्चों लोकेंट्स। क्लियर है? इसी ऑर्डर से आप इसको समझेंगे। क्लियर होगा? बताओ यहाँ नाम क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रेफिक्स, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा है क्या है, 2-ethyl। क्लियर है? यहाँ क्या लिखोगे, ब्यूटेन या ब्यूटीन? ब्यूटीन लिखोगे, क्योंकि एन नहीं है, ब्यूटीन है। और कहां पर है ईन? तो ब्यूट 3-ene। अब क्या लिखोगे, नाइट्राइल, नाइट्राइल लिख दिया। तो देखो बच्चों कितना इजी हो गया लिखना, नाइट्राइल को लिखना कितना इजी है। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसे भी ओवर करते हैं। रिवाइज करते रहे बच्चों, रिवाइज नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पर्सनल सलाह है, इसलिए रिवाइज आप जरूर करते रहें, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए ये 4 क्वेश्चन करें, 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, रिवाइज हो जाएगा एक बार प्रोपेन नाइट्राइल, और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या पढ़ा था वो चीज हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहां अगर बात करें तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी, इसी कार्बन से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत नंबरिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखोगे बच्चों, 2 पे मैथिल है, 5 पे मैथिल है, तो क्या लिखोगे, 2,5-dimethyl। क्लियर है? अब क्या लिखोगे, कितने की नाइट्राइल है, 6 की, लेकिन एन है या इन, इन है, तो हेक्स, कहां पे इन है, 4 पे, तो हेक्स 4-ene, और फिर क्या लिखोगे, नाइट्राइल। यहां नाइट्राइल को 1-1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है नंबरिंग यहीं से शुरू हो रही है। चलिए इसकी बात करते हैं, 1, 2। अब मैं 3, 4 इधर जाऊं, लंबी चेन या छोटी चेन, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग। बच्चों यहां मल्टीपल बॉन्ड ने प्रेफरेंस हम मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, इसलिए हम छोटी चेन से भी सह लेंगे कि चलो छोटी चेन भी हो सकती है। अब 2 पे कितना जुड़ा है बताओ, 1, 2, 3, 4, मतलब क्या जुड़ा है, ब्यूटाइल, तो क्या लिखोगे, 2-butyl। क्लियर है? यहां क्या लिखोगे बच्चों, ब्यूटेन वाला नाइट्राइल, लेकिन एन नहीं, ईन है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट, कहां ईन है, 3 पे, तो 3-ene, और फिर क्या लिखोगे, नाइट्राइल। क्या क्लियर हो रहा है, कैसे आपने नाम लिखा? चलिए इसका नाम लिखते हैं। नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, यहीं से। अब मुझे पता है लॉन्गेस्ट चेन है, ये छोटी चेन है, 3, 4, 5, 6। क्या लिखोगे, 2 पे क्या है, एथिल है, और 4 पे क्या है, साइक्लोप्रोपिल है, सी पहले आता है, इसलिए सी, आपको पता है साइक्लो का सी अल्फाबेट में काउंट होता है, तो ध्यान रखो 4-cyclopropyl। फिर क्या है बच्चों, 2-ethyl, और कितने का नाइट्राइल है, हेक्स का, तो हेक्स एन है या इन, एन है, और क्या है, नाइट्राइल। तो आप सबको क्लियर हुआ कैसे आप इसको लिख रहे हो? चलिए यहां की नंबरिंग करें और नेमिंग भी करें, 1
1 2 3 4 5 6 7 कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हैव वर्ड रूट। हैव के बाद देखो कहां इन है कहां आइन है, 4 पे इन है 6 पे आइन है, तो 4 इन पहले आएगा 6 आइन बाद में आएगा। और फिर क्या लिखोगे? नाइट्राइल। कितने का नाइट्राइल हैप्ट का? तो हैप्ट तो लिख ही चुका हूं, आगे क्या लिखना है? नाइट्राइल। क्या क्लियर हो गया आपको नेमिंग? नाइट्राइल की नेमिंग बिल्कुल क्लियर है बच्चों। फिर मैंने एक और कंडीशन बताई थी कि अगर मेरे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लो से जस्ट जुड़ा हुआ है क्या कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बनडिहाइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलेट, जैसे कार्बोनाइट्राइल। याद आ रहा है आप सबको? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिंग से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो ग्रुप क्या क्या हो, CHO हो, तो इसको बोलते हैं कार्बनडिहाइड। इसे क्या बोलते थे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोलते थे बच्चों? COOR को। भाई सबसे पहले तो मुझे एल्काइल लिखना ही होगा, तो एल्काइल तो है ही, लेकिन इसको हम लिखेंगे क्या? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। वैसे ही CN को क्या लिखेंगे बच्चों? CN को कार्बोनाइट्राइल, तो कार्बोनाइट्राइल। तो समझ में आया आपको कैसे लिखना है आपको सारे नाम? तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी भी, ये भी हमने सीख चुके थे कैसे करना होता था। मुझे बताएं अगर मेरे पास लिखा हुआ है CHO, तो मैं यहां से नंबरिंग करके इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड। समझ में आया क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है CN, तो इसे क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? साइक्लिक से अगर कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो जिनका कुछ पैटर्न ऐसा हो, तो उन्हें हम ओइक एसिड या अल या कुछ और ना लिख के इनका नाम सीधे लिखते हैं बच्चों। मैं ये आपको लिस्ट लिखवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे जितनी चीजें पढ़ी हमने वो सब अपन कंप्लीट कर सके। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं एक दो क्वेश्चन की और फिर अपन शुरू करते हैं बच्चों नई चीज, थोड़ी सी नई है वो अपने लिए, क्या है देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO। अब सिर्फ इसको हम क्या बोलते थे, पहले लिखते थे और बाद में क्या लिखेंगे? कार्बनडिहाइड। अब कोई चीज यहां से जुड़ी है तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। इसका मतलब थोड़ा सा इजी करते हैं, इस मेथड को हटाते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं। चलिए 2 पे क्या जुड़ा है? एथिल। तो मैं क्या लिखता सबसे पहले? 2 एथिल साइक्लोहेक्सेन। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले इसका नाम लिखना है, तो मैंने इसका नाम कैसे लिखा? 2 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब क्या लिखूंगा? कार्बनडिहाइड। क्या लिखूंगा? कार्बनडिहाइड। चलिए एक क्वेश्चन ये करें, जरा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हम कर रहे हैं। मान लीजिए यहां CN जोड़ दिया और मैंने यहां एल्कीन लगा दी, ठीक है। अब कैसे करेंगे बच्चों? मुझे पता है पहले मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा और बाद में मैं क्या लिखाऊंगा? कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6। सर आपने पूछा कि था कि एल्कीन में तो 1 एल्कीन को देते हैं बच्चों, तब देते थे जब सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड होता था। अभी तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम तो अपनी प्रश्न देंगे ही देंगे, क्योंकि पहले आता है मेन फंक्शनल ग्रुप, तब आता है मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? तो बताओ क्या लिखोगे? 2 साइक्लोहेक्सीन। क्या ये इसका नाम हो गया? और बाद में क्या लिखोगे? कार्बोनाइट्राइल। इजी है, बहुत इजी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करें यहां फटाफट। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता और यहां पर कोई ग्रुप ऐसे करके जुड़े होते, तो क्या लिखता है? मैं सबसे पहले लिखता इसका नाम, और इसका नाम कैसे लिखता बच्चों? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखता? 3 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखता बच्चों? 3 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। और बाद में क्या लिखता? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो क्लियर हुआ कि नाम कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, आपको ये लिखना होता है कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान क्या रखना है, ये तभी लिख सकते हैं जब रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप कौन से हो, कुछ इस टाइप से हो। मैंने आपको बताया लिस्ट कौन सी है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनडाइहाइड, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो इन सब चीजों को मुझे ध्यान देना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पैटर्न एक फॉलो करना है, जिस चीज को हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, और वो एक रूल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। क्या है वो रूल, बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा चेन है और उस चेन में बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दो फंक्शनल ग्रुप है। क्या बोला मैंने, एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप है तो हमें क्या करना होता है बच्चों, ध्यान देना। जब मेरे पास दो तक है तब तो चलेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 क्या लिखोगे यहां पर, हेक्सेन है तो हेक्स। अब ओइक एसिड कहां पे है बच्चों, हेक्सेन के आगे 1.6 ओइक एसिड, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन 1.6 ओइक एसिड। क्यों लिखा, क्योंकि 1 पे भी है 6 पे भी है, तो क्या लिखूंगा, 1.6 ओइक एसिड। लेकिन बच्चों इफ 3 और इफ 3 और मोर देन 3 3 और मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। क्या बोला मैंने, मान लीजिए मेरे पास, जब तक मेरे पास एक था दो था चलेगा, लेकिन अगर 3 आएगा तो ये रूल फॉलो नहीं करेंगे बच्चों। यहां सिर्फ हम 2 फंक्शनल ग्रुप तक ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक। अब यहां 2 नहीं है बच्चों, 3 या 3 से ज्यादा है, 3 और मोर देन 3। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम इन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स को नंबरिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, नंबरिंग नॉर्मल इन चेन को देते हैं। क्या देते हैं, चेन को, और इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट समझकर हम इनका नेमिंग करते हैं। कैसे करेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है जितने की कार्बन है, तो एल्केन है या ईन है या आइन है, आपको ये लिख देना है। बाद में आपको नंबरिंग के साथ 1.2.3 जो भी है, कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल है तो 1.2.3 CN है, अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक है तो आप क्या लिखोगे, 1.2.3 कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मान लीजिए CN हो गया तो क्या लिखते हैं, 1.2.3 कार्बोनाइट्राइल। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में जब मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो कभी भी हम इन नंबरिंग की, इसको हम नंबरिंग कभी नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन कार्बन चेन, तो यहां लिख देता हूं स्टार करके, देन फंक्शनल ग्रुप नॉट इंक्लूडिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। तो आपको समझ में आया कि कब आप पेरेंट कार्बन चेन को नंबरिंग देंगे और कब आप पेरेंट चेन में इनको इंक्लूड करेंगे, कब आप नहीं करेंगे। अगर 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो कभी भी आप पेरेंट चेन में इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, कभी भी मान लीजिए 1 या 2 होते हैं तब आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। क्या आप सबको क्लियर हो रहा है, बात एकदम समझ में आ रही है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं तो और समझ में आएगा। इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें बच्चों। और इसकी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया हो जाए बच्चों, है ना। चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दिया होता कुछ इस तरीके से, CHO, 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 क्लियर है। तो मैं इसको नाम क्या लिखता बच्चों, मैं इसको नंबरिंग करता 1, 2, 3। क्यों करता बच्चों, क्योंकि मुझे पता है ये फंक्शनल ग्रुप है और 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो मैं इनका नाम क्या लिखता, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। कहां कहां एल्डिहाइड लगा हुआ है, 1.2.3 कार्बोनडिहाइड, क्या लिखता, कार्बोनडिहाइड।
तो आपको क्लियर हो रहा है कि रूल क्या बोल रहा है। चलिए मान लीजिए मेरे पास कितने ट्राई, तो यहाँ ट्राई कार्बोडियाइड, क्योंकि हमको नंबरिंग भी तो करनी है, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोडियाइड। यहां बात करते हैं बच्चों CUH और CUH दिया हुआ है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, हमें इनको इंक्लूड नहीं करना है बच्चों। क्यों नहीं करना है, क्योंकि तीन या तीन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब एक चेन में आते हैं तो कभी भी फंक्शनल ग्रुप को हम नंबरिंग नहीं देते हैं बच्चों। तो बताओ यहाँ नाम क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूटेन, क्योंकि पूरी चेन कितने की है, चार की, तो लिखा ब्यूटेन। 1, 2, 3, 4 टेट्रा, चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको समझ में आया कि कैसे ये रूल फॉलो करना है और कैसे नहीं फॉलो करना है, समझ में आ रहा है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और करें। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ग्रुप जुड़ा हुआ है CUH और CUH। अब तो बच्चों कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो ही फंक्शनल ग्रुप है, दो है तो मुझे इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले क्या लिखोगे, प्रेफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है क्या लिखोगे, 3, 4 डाइमेथिल, और क्या लिखोगे बच्चों, हेक्स एन 1, 6 डाइओइक एसिड। क्या क्लियर हो रहा है कि कब मुझे इसे इंक्लूड करना है और कब मुझे इसे इंक्लूड नहीं करना है? चलिए बच्चों इसका नाम बताएं फटाक से। यहां मैंने लगा दिया CN, यहां मैंने लगा दिया CN और यहां मैंने लगा दिया CN। तो बताओ नंबरिंग क्या करेंगे, 1, 2, 3 क्या लिखोगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। आपको समझ में आया कि आप नंबरिंग कैसे करेंगे साथ साथ? तो चलिए ये चीज आपकी कवर हो गई, एक नई चीज थी जिसे आपने सीखा, क्लियर है। चलिए अब एक नई चीज शुरू करते हैं हम यहाँ पर।